अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? तो आपकी ईद कैसी गुजरी है ये हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो यार, आज जो गेम प्ले मैं खेल रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही कमाल का गेम प्ले था, जिसमें हम लोग ना 2 राउंड हार जाते हैं, लगातार 2 राउंड हार जाते हैं पहले शुरू में ही, और मेरे से एक भी किल नहीं होता। तो आप यकीन करें, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने यार अभी तक एक भी किल नहीं किया। अभी ये पहला राउंड चल रहा है, तो देखें पहले राउंड में मैं अभी यहाँ पे डाउन हो जाऊँगा और मेरे से एक भी किल नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। यकीन करें, मुझसे 2 राउंड में एक भी किल नहीं हुआ। फिर भाई हम क्या करते हैं, इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, फिर 2 लगातार राउंड जीत जाते हैं। तो 2 लगातार जीतते हैं, वो 3रा राउंड वो फिर जीत जाते हैं, उनके 3 हो जाते हैं, हमारे 2, और हमें 2 लगातार जीतने थे, तो उन्हें एक जीतना था 2 में से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले है, एंड तक ज़रूर देखना इसको, बहुत ही कमाल का गेम प्ले है। तो यार देखें, अभी मेरे पास 0 किल है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो देखें यार, अभी मेरे पास 0 किल है, और मैंने ना डेजर्ट ईगल ले लिया है, उससे फायर करता हूँ भाई, उनको लगती भी है। तो यहाँ पे फिर से मैं डाउन हो जाता हूँ, और मेरे साथ बहुत बुरी होने वाली है। अभी देखना, मैं यहाँ पे मारता हूँ, लेकिन यार 43 का लगा, ये देखो ये भाई हम हो गए हैं डाउन। डाउन हुए और मुझे फिर से बहुत गुस्सा है, यार ये चल क्या रहा है, वो क्या रहा है। तो ये हमारे टीममेट है सूफी साहब, तो यहाँ पे ये भी डाउन हो गए, ये लो जी ये भी डाउन हो गए, और हम ये राउंड जो है हार जाते हैं। और फिर हमारे पास 6 राउंड होते टोटल, नहीं 5 राउंड रह गए थे, जिनमें से हमने जीतने थे 4। अब बताओ भी हम कैसे जीते, 2 राउंड ये लगातार जीत गए। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार अब बस बहुत हो गया। तो मैंने कहा अपनी फेवरेट गन लेते हैं 1887, तो M1887 ली, और मैंने ग्लू वॉल उठाई है, और ग्लू वॉल उठा के मैंने कहा चलो जी अब चलते हैं घर में, घर में जाके अब सब्र से खेलेंगे, ऐसे एकदम से सामने नहीं जाना, जैसे मैं सामने जा रहा, तो मैंने कहा सब्र से खेलते हैं। तो यार अब भी ऐसे ही किया करो, सब्र से खेलो, सब्र से ना चुपके, जब आपको फुल मौका मिल जाएगा भाई अब इसको मार देंगे तो फिर मारो। तो अभी मैं यहाँ पे सब्र कर रहा हूँ, देखें अभी मुझे ना मौका मिलेगा, अभी वो देखो वो प्लेयर आ रहा है, मैं उस पर फायर करता हूँ। तो अभी देखो मौका मिल रहा है, मार रहे हैं, अभी मुझे पता था कि नीचे से आ रहा है, तो भागो यार भागो। देखो फायर करके ना जब लोड करने लगे तो आप वहाँ से निकलने वाली करो, लोड करने लगे निकलो, और जब लोड हो जाए तो फिर मौका देख के अटैक करो। देखिए यहाँ पे मैंने 2 किल किया और हम ये राउंड जीत जाते हैं। तो यार जब भी ऐसा हो कि आप लोग हार रहे हैं, आपके हालात बुरे लग रहे हैं, क्या भाई अब जीतने वाले नहीं, तो ऐसा किया करो यार, सब्र से सुकून से रिलैक्स होकर खेला करो, बहुत अच्छा गेम प्ले हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा गेम प्ले आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे मेरे 2 किल हो चुके थे, 3 राउंड हो चुके हैं, 2 राउंड में तो मेरे 0 किल थे। तो भाई यहाँ पे भी मैं यही करता हूँ कि भाई जाके सामने सीढ़ियों पे से आएंगे उनको वहीं पे ही रोकूँगा, अगर ऊपर आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता कंट्रोल करना, हमने कहा यार नीचे ही रोक के रखते हैं तो नीचे इजीली हम किल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही किया, यहाँ पे ये निकले हैं उधर जाने के लिए, इधर आ जाते तो भाई फिर हमसे नहीं कंट्रोल होना था। फिर यहाँ पे एक और निकला है, मैंने कहा यार रुकना तो है नहीं, जब निशाना बन जाए फिर गोली मार दो उनको, ठीक है अगर नहीं बन रहा तो फिर आप एक काम और किया करें, स्पीड लगा के भागें, और आपके पास जोसेफ की स्किल तो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जोसेफ की मूवमेंट जब डैमेज पड़ता है तो मूवमेंट बहुत तेज़ होती है। तो यार ऐसा ही किया करो, जोसेफ की स्किल लगाओ और हयातु की भी स्किल लगा लो आप, ये दोनों स्किल लगी हो तो आपका मैं कहता हूँ कमाल ही हो जाए, और ऊपर से आपके पास अलोक हो तो मूवमेंट और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ भी मैंने 3 स्किल लगाई हुई, यहाँ भी हम लोग 2 राउंड जीत चुके हैं, तो 2 राउंड जीत गए हैं। तो अभी ये यहाँ पे 2-2 हो गए हैं, ये राउंड भी बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि ये राउंड में फिर से मैं 0 किल करता हूँ, और हालांकि पिछले 2 राउंड में मैंने 2-2 किल कर चुका हूँ, मेरे 4 किल हो गए हैं, 2 ही किए थे ना आज, या 2 किए होंगे, मैंने नहीं आपके साथ बातों में लगा हुआ हूँ, मैंने नहीं देखा कितने किल हो गए मेरे। अच्छा ये मैंने स्कोप लगाई, यार ये मिस हो गया, मेरे से AWM इतनी तेज़ी से नहीं चलती, ये 150 का मारा मैंने, डैमेज डाला कि मेरा अच्छा खासा बन गया है, मैंने कहा फिर 1887 निकालते हैं इससे मारते हैं। फिर मेरे मुझे याद आया कि यार मेरे पास तो डेजर्ट ईगल भी थी शायद, तो डेजर्ट ईगल होती तो अलग है, ईजी भी मार देती, ये भाई साहब ये निकल गए ये नहीं मरे। तो यहाँ पर मैं हो जाता हूँ, देखा जी यहाँ पर मैं ना डाउन हो जाता हूँ, ये जो MP40 चला रहे बड़े कमाल चला रहे हैं। अब मैंने ये गलती की कि मैं छुपने की बजाय ना सामने से उस पर अटैक करता हूँ, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है।
ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कवर लो और जब मौका मिले फिर अटैक करो, ऐसा ही किया करो ठीक है। गेम अच्छी करनी है तो भाई मौका मिले तो कवर कवर करके फिर मौका देख के उस पर अटैक करो ठीक है ना। तो यार यहाँ पे हमारे रह जाते हैं सूफी साहब जिनका मेरे साथ मुकाबला लगा हुआ, तो भाई इनको पड़ी है। ओ भाई ये लो जी, ये तो गए खेलो गए, इनको काफ़ी इनका मेरा मेरे साथ मुकाबला था पिछले जो गेम प्ले था उसमें मैं खेला था इनके साथ, तो भाई हमने बराबर ही किल किए थे। इसमें भी हमारे दोनों के इक्वल होते हैं लेकिन मेरा डैमेज ज़्यादा होता है, तो मैं MVP बन जाता हूँ यहाँ पे ना फैक्ट्री पे। अभी देखे 3 राउंड जीत चुके हैं वो और हमारे पास 2 राउंड है, तो भी हमें दोनों के दोनों जीतने हैं यार, कमाल का गेम प्ले हुआ ये। तो यार मेरी जो नया चैनल है, मेरा नया चैनल जो है वो डमी बॉय के नाम से है, तो उसको ज़रूर यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ वीडियोस मैंने दो डाल देनी है, एक डाली हुई है एक डालने वाला हूँ, तो यार उसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा यार, मुझे उम्मीद है आप कर देंगे, तो इसलिए मैंने आपसे कहा है। अच्छा जी यहाँ पे हम बैठते हैं, हमने कहा यार डिसाइड किया था कि यार ऊपर चलते हैं, क्योंकि यार अगर ये राउंड जीतना है हमें, क्योंकि वो 3 जीत चुके थे हमें लाजमन जीतना था, मैंने कहा यार ऊपर चलते हैं देखी जाएगी जो होता है। तो ऊपर आ गए हैं हम और नीचे हमारे प्लेयर ने भैया उनके 2 प्लेयर्स को मार दिया है, या मुझे नहीं समझ आया क्या हुआ है। श्री नेट फेंक रहे हैं वो, नेट पे नेट बारिश किए जा रहे हैं भैया, हमने कहा भागो भाई इधर से भागो, इधर रुकना। ओ भैया फिर से नेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो पहुँच चुके थे और इन्होंने ग्लू वॉल डाल दी थी, मैंने कहा फिर मैं भी अपनी कवर लेता हूँ। तो कवर लेना लाजमी है यार, कवर लो और मौका देख के अटैक करो यार, नेट पे नेट फेंकी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार ये लोग। अरे मैंने कहा यार अभी आगे पीछे देखते हैं, मैंने उससे कहा आप एक साइड हो जाओ और मैं एक साइड पे हो जाता हूँ, तो हम लोग एक साइड पे मैं हो गया था, एक साइड पे वो हो गए थे। तो हमने कहा इधर से फैसला किया कि भाई अभी यहाँ पे एक साइड से आपने मारना, एक साइड से मैंने, मेरी तरफ़ आए तो मैं आपको बता दूंगा, आपकी तरफ आए तो मैं आप मुझे बता देना। मैं हमने ऐसा ही किया, तो मैंने एक को नॉक कर दिया, तो उसके बाद दूसरा मुझे नहीं पता चला था कि भैया वो रिवाइव दे रहा है, वो रिवाइव दे रहा था लंगे छुप के, मैं उसको मारा और फिर निकल के वापस आ गया। तो भाई यहाँ पे ये राउंड भी हम जीत चुके हैं, और मैंने एट द एंड जब राउंड बिगनिंग होने वाला था तो मैंने एक्समेट उठा ली, तो यार उसके साथ एक्समेट तो आ गए लेकिन यार जो एमोज है ना वो नहीं आई मेरी, ये बड़ा दुख लगा था मुझे। तो मैं यहाँ पे ग्लू वॉल्स नेड्स वेस्ट वगैरह सब कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि ये राउंड भी हमने जीतना चाहिए था। तो यार ये राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ये गेम प्ले मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ कि मैं 3 राउंड हार गया और उसके बाद से मैं ऐसे जीता हूँ। वैसे तो मैं हारने ही नहीं देता, हारता हूँ तो सारे ही हारता हूँ, नहीं तो हारने ही नहीं देता। तो और एक ऊपर से ये चीज़ भी हुई कि भाई मेरे से ना एक भी किल नहीं हुआ था 2 राउंड में, तो यहाँ पे एक्समेट ने भाई मेरी मदद तो की है, एक प्लेयर को 2 किल कर दिया, पूरा 23 गोलियाँ थी तो पूरे 23 में एक को किल कर दिया। यार ये ग्लू वॉल उन्होंने गलत डाल दी, देखो यार ये क्या कर रहे हो यार, ये ग्लू वॉल नहीं डालनी चाहिए। मैंने सोचा नेड करते हैं, डाउन कर दिया तो मैंने अलग एक को नॉक किया था, मैंने कहा नेड करते हैं, नेड किए लेकिन पता नहीं क्या रिवाइव दे के निकल गए थे या क्या हुआ था समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा यार चलते हैं इधर से ना दूसरी वाली जो रूफ टॉप है उस पर चलते हैं, तो मैं इस पे जाने लगा तो नीचे गिर गया, यहाँ से ये गुजर ही रहा था, मैंने इसको खिल किया और यहाँ पे जो हमारा है जी हम भुया हो जाते हैं और ये गेम प्ले हम जीत जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, तो यार मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।